आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है मिक्सर सेटलर टाइप एक्सट्रैक्टर। आप देख सकते हैं ऐसा ही इक्विपमेंट आता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। एक फीड टैंक रहती है जो ये वाली है, जिसमें हम कोई भी दो केमिकल लिक्विड का मिक्सचर ऐड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है एसिटिक एसिड और बेंजीन का। दूसरी टैंक होती है वो है सॉल्वेंट टैंक, जिसमें हम वाटर ऐड करते हैं। यहाँ पे एक पंप दिया है, वो है केमिकल पंप है, जिसमें ये जो फीड मिक्सचर रहेगा वो पंपिंग होते यहाँ पे रोटामीटर में आएगा और वो यहाँ से बॉटम से ऐड होता है, इस लाइन से मिक्सर सेटलर में आएगा, बराबर। और जो सॉल्वेंट हमारा रहेगा ये दूसरा पंप है, उससे पंप होके यहाँ से ऊपर वाली जो ये लाइन आ रही है वहाँ से ऐड होगा। अब वो दोनों फीड और सॉल्वेंट दोनों यहाँ पे मिक्स होंगे, एक्सट्रैक्टर के अंदर मिक्स और सेटल दोनों होंगे। और जो हमको सैंपल लेना है वो एक सैंपल टॉप का सैंपल यहाँ से लेना है, इस लाइन से, और दूसरा जो सैंपल लेना है वो यहाँ से, ये लेवलर है, जिससे कि हम जो हाइट रहेगी दोनों केमिकल ऐड होने के बाद इस एक्सट्रैक्टर में, वो यहाँ से एडजस्ट कर सकेंगे। हम इसे ऊपर करेंगे तो हाइट एक्सट्रैक्टर में बढ़ेगी और नीचे लाएंगे तो उस हिसाब से घटेगी। और जो दूसरा सैंपल है वो हमको यहाँ से लेना है, बराबर। तो ऐसे ये प्रैक्टिकल होता है। सबसे पहले हम जो मिक्सर यहाँ पे रहेगा उसमें से एक 20 ml का सैंपल लेके उसका टाइट्रेशन करते हैं। और आमा आपणे एसिटिक एसिड अने बेन्झीन नुं मिक्सचर लीधुं छे अने आमा NaOH नुं सोल्यूशन करेलुं छे अने ट्राइट्रेशन कर्युं तो 2.6 रीडिंग आव्युं। करके दिखाता हूँ कि कैसे चालू होता है। मेन स्विच, बाद में ये रोटर की स्विच, स्टारर की सॉरी, और यहाँ से हम उसकी स्पीड देख सकते, एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि ये रोटर चालू हो जाएगा और स्पीड यहाँ पे इंडिकेट होगी जो भी उसकी RPM में रहेगी वो। अब मैं जो फिट टैंक का पंप है वो चालू करूँगा और आप यहाँ से देख सकते हो कि रोटामीटर से मुझे इसको एडजस्ट करना है कि कितने LPM मुझे उसका फीड का फ्लो रखना है। वैसे ही मैं जो दूसरा पंप है हमारा सॉल्वेंट पंप, मैं उसे चालू करूँगा जिसका फ्लो मुझे यहाँ से एडजस्ट करना है, बराबर। ये दोनों इसमें मिक्स होंगे और सेटल भी होंगे, जो हमें बाद में उसका सैंपल लेना है। एक सैंपल हमको यहाँ से मिलेगा, इस लाइन से, और दूसरा इस लाइन से मिलेगा। और यहाँ से आप लेवल एडजस्ट कर पाओगे। प्रैक्टिकल के बाद हम जो ये दोनों सैंपल मिलते हैं टॉप से और बॉटम से, उसका भी टाइट्रेशन करते हैं। मैं आपको इक्विपमेंट चालू करके